हमें मिले तो हम जाने देता। हाँ अब बिचत वो बिचता है का करे, मजबूरी है वैसेन पर एक गेहूं करने पर एक है का। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंच चुके हैं तालीग्राम क्षेत्र में। अगर बात की जाए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बिल्कुल किनारे पे हैं और आपको एक्सप्रेसवे भी दिखा दें। और इधर की तरफ अगर देखेंगे तो भैया आलू की खुदाई चल रही है और आलू लाल कंचन आलू खुद रहा है। उस क्षेत्र में बातचीत भी करेंगे। अगाई आलू अगर माना जाए तो अगाई आलू का क्षेत्र है एक तरीके से तालीग्राम। तालीग्राम और नादेम उस क्षेत्र में अगाई आलू भी होता है और पिछाई आलू भी होता है। ज्यादातर अगर माना जाए तो सबसे पहले अगाई आलू तरवा के बाद अगर कहीं निकलता है तो नादेम और तालीग्राम क्षेत्र में। तो उसी क्षेत्र में किसान भाइयों पहुंच चुके हैं और आलू की खुदाई चल रही है और आलू भी दिखाना चाहें किस तरीके का क्वालिटीदार आलू निकल रहा है, क्या इस क्षेत्र में आलू की कितनी खुदाई हो गई है, पक्की आलू का क्या अनुमान लग रहा है, क्या सारे मुद्दे हैं, इन सभी बातों में बातचीत करेंगे। कई किसान भाई भी हैं हमारे साथ, खेत के मालिक भी हैं। और आलू भी सबसे पहले आपको दिखाते हैं भैया, कंचन आलू है ये देखिए, ये इधर की तरफ अगर देखें आप डालते रहो, ये देखिए ये आलू अगर देखेंगे तो भैया आलू में चेचक वगैरह थोड़ी है लग रही है। इधर की तरफ अगर देखेंगे तो इधर वाले देखिए थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। तो भैया किसान भाई अलग अलग क्षेत्र के हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। तो दादा एक बात ये बताओ, चेचक वगैरह अपने क्षेत्र में काय मारे ज्यादा लगा था, अनुमान कुछ लगा था? बोलो। चेचक का मक्का ज्यादा होती के माने चेचक चेचक ज्यादा लगे था। मक्का की वजह लगती है, मक्का के वजह भैया ज्यादा बता रहे हैं कि मक्का के वजह से चेचक ज्यादा लगती है। आप देख भी सकते हैं आलू में चेचक जो है लगी हुई है और भैया जो है काम करने वाले यही है। तो भैया ये बताओ कि अपने क्षेत्र में क्या अनुमान लग रहा, कच्ची वालों आलू कितना लो बची को खुद ही को किया? शुरुआत है लमसम में, यानी कि रुपया भर में 30 पैसा भर खुद चुका है बस। हाँ अपने अनुसार बताओ, कच्ची आलू ज्यादा हो कि पक्की वालू ज्यादा हो? वो तो दोनों बराबर ही है। हाँ खुदने के बावजूद पता लगेगा कितना बछरा है कितना है। अच्छा खुदने के बाद पता लगेगा। तो एक बात ये बताओ भैया, भाव वगैरह का उम्मीद लगे थे, का भाव चल रहा है? मान लो आप लोग जानते हो कहा चल रही मंडी क्या है, सभी लोग समझदार है, जानकारी हमारे बताने से क्या है। हाँ महंगाई है, कुछ मिल रहा है किसानों को? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो भैया इधर की तरफ हम दिखा भी दे, देखिये आलू भी देख लीजिए। आलू किसान भाइयों अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र में चेचक की मात्रा कई किसानों ने हमसे पहले भी कहा और इस साल भी देखे तो पिछली बार से चेचक जो भैया है लगातार इस बार बढ़ रही है। क्या कारण रहा, कुछ अनुमान लग रहा है? मतलब कुछ मुनाफा हो नहीं रहा है, घाटा ही हो रहा है। किसान भाई आदमी लागत लगाए जा रहा है लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखें पूरा खेत भी दिखाते हैं भैया, खेत में जो है आलू की खुदाई चल रही है और भैया किसान भाई से भी बातचीत करेंगे। और कौन भैया कह रहे? तो इधर तरफ ये भैया है, अच्छा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बोरा वगैरह भैया तो बता दादा, कहाँ नाम है अपनो? हाँ नाम बताओ, कहाँ नाम? जागेश्वर है। दादा आप लोग कौन गाँव पड़ा था? गुंडाला। गुंडाला। अच्छा दादा तो एक बार अनुमान बताइए कि आलू वगैरह कुछ किसानों को मिल रहा कि नहीं मिल? लेवल खुदाई चली है कुछ। अच्छा एक बार बताओ कि पिछली साल जैसे आलू की पक्की बराबर गड़ी रहो कि कम गड़ी रहो? आलू तो ही गोड़ा जितना गोड़ा जाए। आज भी किसान भाई जो गेहूं कर ले खाई भी जो चक्कर है गेहूँ भैया, पिछली साल जी तो बराबर है कि कम ज्यादा? कम ज्यादा कोई आलू नहीं, आलू बराबर है, आलू कोई कमी ना है, आलू कोई कमी नहीं। अच्छा तो चेचक लगाते जो पक्के पे तीन बागे हुए हैं छटनी तो वो हमें कछु ना बचत, ये हमारे खुदाई रहे किसान ज्यादा। हाँ जाए हमारे खुदाई रहो। तो हमें लग रहा है कि कच्ची आलू इस बार हमें लग रहा है कि ज्यादा मात्रा में खुदिएगा, चेचक ज्यादा मतलब चेचक आया वहाँ ज्यादा खुदिए। हाँ ज्यादा खुदिए गैया। तो भैया इधर भी दिखा दें, देखिए किसानों कहीं ना कहीं इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा बंगला रखा हुआ है और किसान अगर देखा जाए तो इस तरह भैया आवारा जानवरों से बहुत परेशान है। दत्ता पूछे था कि रात में फिर इनको एक आदमी लेटर दिए ठंड पर है कजू पर है और रात दिन लेटाओ पर दिन में आई जाती रातों में आती इतनी डिले ही साड़ गई साड़ गई बहुत डिले बहुत डिलो क्या आप ही लेटर दिए कौन लेटर बातचीत करेंगे। दद्दा इतना सर्दियों का मौसम होता है और अगर देखा जाए तो भैया इधर की तरफ अगर देखेंगे तो कई खेतों में इस तरीके की आपको मचान बने हुए मिलेंगे, मड़िया जैसे रखे होंगे और किसान भाई कहीं ना कहीं अपनी फसलों को बचाने के लिए इसी में रात अपनी गुजारते हैं। सर्दी के मौसम में होमा आप जानते होंगे कि बंद कमरे में जब लेटते हैं तो रजाइयों में कहीं ना कहीं आदमी की सर्दी नहीं छूटती और यहाँ पर किसान खुले मौसम में लेटता है। और दूसरा कारण एक और भी है कि कहीं ना कहीं किसानों को आलू का भाव भी ठीक ठाक अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के थोड़े आंसू कुछ भी जाए। तो दादा क्या उम्मीद लग रही है कुछ में बची है आलू की? नहीं साहब हमें बचने का कोई शक नहीं दिखाता है, इसमें खर्चे के अलावा लागत
बराबर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ वही मिल जाए तो वही मिल जाए बहुत बड़ा, हमारी अगली फसल बच जाए बहुत। और रात दिन गोरुओं का रखाना चराना देखना, सो पाते कि नहीं सो पाते, ये सब बहुत सारी दिक्कतें है। आप रात में लेटे? जी जी जी, यही लेटते हैं। ये दद्दा की मड़िया भी दिखा दें। देखिए दद्दा की मड़िया अगर देखेंगे तो यही मड़िया बनी है और यही पे दद्दा लेटते हैं। तो दद्दा ये 12 महीने लेटते हैं, घर में बच्चे वगैरह तो बच्चे बच्चे घर देखते हैं, हम खेत देखते हैं, क्या करें, मजबूरी है, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और सरकार ने अन्न मवेदी इतनी ढिलवा रखी है, पर मेरे चूतों में घुसरने के लिए किया। किसान कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए है, बहुत ज्यादा सर परेशान। अच्छा अभी कोई मतलब कोई गौशाला वसाला इधर क्षेत्र में कुछ बना हुआ? उसके गौशाला के लिए प्रबंध होता भी है तो बीच वाले ही सब खा जाते हैं, गवें ढीली जाती है, बस मारी कसारी फिरती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो किसान जो है कहीं ना कहीं बीच वालों के चक्कर में फंस जाता है। उसका कारण एक ही है कि गौशाले में अगर जानवर बंद भी होते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को उतनी मात्रा में नहीं बंद हो पाता जितनी मात्रा में बंद होने चाहिए। तो इधर की तरफ अगर देखेंगे तो आलू भी, भैया देखिए खुदाई आलू की लगभग में अगर बात की जाए तो आधे से ज्यादा खेत की आलू की खुदाई हो गई है। और इधर की तरफ अलग अलग क्षेत्र के कई किसान भाई हैं जो आलू खोद भी रहे हैं। तो दद्दा से ही बातचीत कर लेते हैं। दद्दा एक बात ये बताइए कि आपने कई दौर देखे होंगे तो आलू वगैरह में इस साल का कुछ उम्मीद लग रही है कुछ मिलो कि नहीं? भैया हमें मिला है तो मजा आना दद्दा। हाँ क्या करें, मजबूरी है, बेचन पर एक गेहूं करने पर एक है का। बिल्कुल सही बात है। तो दद्दा एक बात ये बताओ, जैसे पारो साल हम लोग देख रहे हैं कि पारो साल कुछ नहीं आलू मिलो, अब लगभग 2 साल है लगातार कुछ पड़ता आ ही नहीं रहा, तो क्या इस साल कुछ उम्मीद लग रही है कि आगे चल के कुछ बनी कहानी? भैया उम्मीद का एक तो आलू है, वो आदमी आलू गाड़ी के आलू गाड़ डबल करा था। हाँ कहता एक बात और आपने सुनी हुई है कि सरकार ने कही थी कि किसान की आमदनी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ अभी तो कुछ लग रही हो कि बढ़ रही है कि नहीं? भैया करे भैया लाभ अगर आओ तो सरकार को किसान से डायरेक्ट पहुंचना है, पहुंचता नहीं है। लाभ जो उठाने वाले हैं जो करते नहीं, लाभ किसान परेशान है। तो वही स्थिति अगर देखी जाए तो भैया अगर देखा जाए तो कुल मिला के इधर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अगर हमें जो नजर आई है वो आवारा जानवरों की। कहीं ना कहीं इतनी सर्दी के मौसम में किसान भाई लेटते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं आवारा जानवरों की जो तालीग्राम क्षेत्र में समस्या है इस समस्या से किसानों को निजात मिलना चाहिए। और अगर आलू की स्थिति देखी जाए तो आलू की कुल मिला के नाजुक स्थिति है और चेचकदार आलू इधर क्षेत्र में निकल रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं किसानों को आलू का भाव सही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि चेचक वाला आलू होता तो मार्केट में इतना अच्छा भाव नहीं मिलता। ये अपडेट था तालीग्राम क्षेत्र का और बिल्कुल तालीग्राम कस्बे का ही है, हम लोग तालीग्राम कस्बे के पास में ही है और खेत में खुदाई चल रही थी। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।